जय हिंद। हम लोगों ने 2 डिजिट के नंबर का क्यूब पिछले वीडियो में सीखा था, आज हम लोग 3 डिजिट के क्यूब को सीखेंगे कि कैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका क्यूब क्या होगा। आइए सीखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 108। तो 108 ले लिया हमने, इसका हमें क्यूब निकालना है। इसको सीखने के लिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4 डिजिट का जगह ले लेना है, प्लेस लेना है 4 डिजिट के लिए। अब देखिए इस 1 का हम क्यूब निकालेंगे, 1 का क्यूब मेरा 1 ही होता है, ठीक है। और फिर ये जो 2 डिजिट का नंबर मेरे पास बच जाता है उसका क्यूब निकालेंगे। फिलहाल मेरे पास 8 है, इसलिए 8 का हम क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 8 को इस 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 वन जा 8 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, हमने यहां लिख दिया इसका, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करना है, इस 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट हमारे पास यहां पे 8 है ओवरऑल, तो हमको 8 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। अब चलिए 8 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आता है 192। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें दो डिजिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 12 2 डिजिट में, तो हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस 5 जो मेरा कैरी में बचेगा ये, अब इसको हम यहाँ पे लेंगे, अब फिर 2 डिजिट को ऐड करेंगे, 5 2 7 और ये 9, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 1 को जो ये मेरा है उसको कैरी लेके यहाँ पे हम करेंगे, और फिर ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2, और फिर ये 1 मेरा उतर जाएगा, यानी कि मेरा 108 का क्यूब 125972 ये नंबर मेरा आया 100 का क्यूब, ठीक है। आइए अब एक और एग्जांपल लेके हम लोग सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे 113, ठीक है। इसका हमें क्यूब निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया 4 प्लेस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस 1 का हम क्यूब निकालेंगे, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर ये जो 13 मेरा इधर बच जाता है उसका हम क्यूब निकालेंगे, 13 का क्यूब आप 2 डिजिट वाले ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी 13 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। चलिए तो 13 का क्यूब मेरा हो जाता है, ठीक है, 2197, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1 को इस 2 डिजिट वाले नंबर यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 बन 13 ही होगा, और फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 13 3 जा 39, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 13 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे इस 39 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 39 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो मेरा आ जाता है 507, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ डायरेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट लेना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, तो 2 डिजिट लेंगे तो ये हमारा 97 आ जाएगा, ये 21 जो बचता है ये मेरा इसका कैरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 7 और 1 8 और ये 202, फिर ये 5 बचा इधर कैरी हो जाएगा, तो 9 5 14 14 का 4 3 और 1 कैरी वाला 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1 मेरा यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1 5 4 2 8 9 7, ये 113 का क्यूब है ये पूरा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग सीखेंगे, वो थोड़ा बड़ा नंबर होगा इसे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक नंबर ले लिया है 152, जिसका हमें क्यूब निकालना है। जिस तरह मैंने बताया कि 4 प्लेस बनाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, इस 1 का क्यूब यानी कि 1 और इस 52 का क्यूब हम यहाँ पे लिखेंगे। 52 का क्यूब होगा ये 14 0 6 0 8, ये 52 का Q
क्यूब होता है, ये मैंने ऐसे ही मैनुअली निकाल लिया था, आप लोग भी टू डिजिट वाले ट्रिक से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो 1 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और फिर 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 156। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 156 को इस 52 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाता है 8112। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 का क्यूब लिखा, फिर 52 का क्यूब लिखा, फिर 1 को 52 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा 156 आया, और फिर 156 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। अब जिस तरह से हमने बताया कि हमें दो दो डिजिट करके लेना है और बाकी का जो मेरा डिजिट बचता है वो कैरी ओवर चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें दो डिजिट लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 08। अब ये 1400 इतना पूरा 1406 कैरी में आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ऐड करके इसको दो डिजिट को भी हमको लेना है तो 628 और 011, ठीक है। अब ये दोनों मेरा इधर कैरी पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 819, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6511 का 1 कैरी में, 1954 और 115 का 5, फिर कैरी में 1 बचता है जो कि 1 कैरी वाला और ये 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3, यानी कि 351108, ये मेरा 152 का क्यूब है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 3 डिजिट का क्यूब समझ चुके होंगे। अगर आप एक बार में नहीं समझते हो तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और इस 3 डिजिट वाले ट्रिक को बहुत ही इजी वे में आप सीख सकते हो, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपका बनाने का जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, आप सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो 3 डिजिट के क्यूब को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।